आठ देखिए, कह रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए, यानी कि इसमें किसका प्रयोग करना है, 6.2 यानी कि थेल्स का जो प्रतिलोम था उसका प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, चलिए सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। अब कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं, तो पहले तो हम लोग इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं कुछ, ए बी सी। अच्छा, इसकी दो भुजा ले लेते हैं हम लोग, ए बी और ए सी। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, है ना, ये दो भुजाएं हम लोग कौन कौन लिए, ए बी और ए सी। तो मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, है ना, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ये जो डी ई रेखा जो है, क्या सिद्ध करना है, तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी कि ये जो बीसी है इसके समांतर होगा ये डीई, ये आपको साबित करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसे लिखते हैं। दिया है सबसे पहले कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। और क्या कह रहा है कि डी तथा ई, तथा ई क्रमश, क्रमश ए बी तथा, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या साबित करना है कि ये जो डी है ना समांतर है बी सी के, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया था ना उसको समझना होता है क्या क्या कह रहा है और किसको साबित करना है, तब आप इसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहां लिखेंगे प्रमाण, आपको पहले ही बताया है किसमें, थेल्स का प्रतिलोम के प्रयोग करके सिद्ध करना है। ये भी आप प्रमेय के रूप में क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, लेकिन उस विधि को नहीं देखना है, हमें किसको लगाना है, थेल्स के प्रतिलोम के मदद से इसे साबित करना है, ठीक है। चलिए यहां कह रहा है कि डी तथा ई, डी तथा ई क्रमशः, क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। पहले ही आपको समझाए हैं कि जो चीज दिया रहता है ना यहाँ पे उसी के मदद से आपको बनाना होता है। अच्छा, जब ये डी ए बी का मध्य बिंदु है और ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि ए डी जो होगा ना वो डी बी के बराबर होगा, और दूसरे वाले में क्या कह सकते हैं कि ए ई जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, ई सी के बराबर होगा। क्लियर है इतना, जब ये इसका मध्य बिंदु है ए बी का तो ए डी बराबर डी बी, और ई जब है ए सी का मध्य बिंदु तो ए ई बराबर यहां से ई सी हो जाएगा। क्लियर है यहां। अब अगर हम कहें कि इसको लाते इधर भाग में, तो ए डी बटा में डी बी बराबर में वन हो जाएगा, है ना, इसको समीकरण एक मान लीजिए। उसी तरह से यहां ए ई बटा में ई सी बराबर में यहां भी वन दे देंगे, होगा ना बराबर में वन, ये समीकरण दो देंगे। अब यहां लिखेंगे समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, देखिए दोनों का वैल्यू वन के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर में ए ई बटा ई सी। तो जब इनके है ना ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो, देख लीजिए ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, जब ये भुजा का अनुपात बराबर हो गया तो ये थेल्स के प्रतिलोम से समांतर नहीं हो जाएगा, इसलिए थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ई समांतर हो जाएगा बी सी, ये आपका प्रमाणित हो गया। तो देखिए तो प्रमेय 6.2 यानी कि थेल्स का प्रतिलोम का इस्तेमाल किया है कि नहीं। चलिए अगला को